आप देख रहे हैं शहर का अपना वेब टीवी बनारस टाइम्स। लॉग ऑन कीजिए www.banarastimes.in और www.cngtimes.com। बेटा कुछ लोग इधर भी आ जाओ। ऐसे बेटा उधर देखो, मेरे तरफ नहीं, दीदी की तरफ देखो। बातचीत करो ना कुछ, दीदी से बात करो, बात करो। थैंक यू थैंक यू। बात करो, सबको ब्लेसिंग है, लेकिन सबको कुछ करना है फैमिली का। मैं बनारस अभी आ रही हूँ 6 महीने बाद। पढ़ाई अच्छे से पढ़ाई करके थोड़ा ब्रेक रखो, टाइम रखो, है ना। हम लोगों को पूरा बनारस शहर में आएगा। ये बेटियां निकल के जाएंगी आपके साथ? हाँ जी जाएंगी बेटियां आपके साथ। ले सकती हूँ, बिल्कुल कर रहे हैं ना, इसी में तो आंदोलन और बढ़िया करेंगे दीदी। आप लोग बड़ी एनर्जेटिक हैं सब। अच्छे से पढ़ रहे हैं, करेंगे ऐसा प्रोग्राम कि पूरा बनारस आपके घर खोलेगा। शिक्षा पूज्य सदगुरु श्री श्री रविशंकर, बेटी को बचाना है तो हमारा सोच बदलना पड़ेगा, और ये सोच पे हम काम कर रहे हैं, लोगों तक पहुंच रहे हैं कॉलेज स्कूल्स में, और यही हम लोग चर्चा में ला रहे हैं कि कैसे हम दहेज और भ्रूण हत्या को रोकें और कैसे सोच को बदलें, और बेटियां कैसे हमारे वंश परंपरा को आगे ले रही हैं। और बहुत सारे क्राइम के वजह से लड़के जेल में हैं जिनके माता पिता रो रहे हैं, उन बेटों को बचाने के लिए भी ये अभियान उसी का एक प्रयास है। मैं 14 सितंबर भुवनेश्वर उड़ीसा की राजधानी से शुरू की हूँ, और 26 राज्य कंप्लीट करते हुए आज हम उत्तर प्रदेश के बनारस में पहुँचे हैं। और सुबह बनारस में हमारा एक स्वागत प्रोग्राम भी हो चुका है, वहाँ मैसेज भी जा चुका है कि बनारस एक ऐसी भूमि है जहाँ उन्होंने मुझे बेटी बोल के संबोधन किया, और जहाँ से लग रहा है एक उदाहरण बन सकता है बनारस बेटी बचाने के लिए। हाँ, आज तक हम 15,000 किलोमीटर क्रॉस कर चुके हैं, और वो क्रॉस करते हुए आगे हम दिल्ली तक जाएंगे, उत्तरांचल, हिमाचल, जम्मू और पंजाब होते हुए हरियाणा होते हुए दिल्ली 13 दिसंबर को पहुंचना है। क्या पूरा तब तक तो रुकना भी नहीं है जब तक हम इक्वल ना करते हैं, जब तक जिंदा हैं एक ही प्रयास रहेगा कि हम बेटा बेटी का समानता के लिए ही कदम बढ़ाएँ।